हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे साथ व्लॉग वीडियो में। और आज हम लोग आए हैं घर से बहुत दूर साग तोड़ने के लिए। ये देखिए कौन सा साग है, घास जैसे इसको चुनना पड़ता है। तो देखिए हम इसको तोड़ रहे हैं। ये देखिए खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ये साग। तो हम लोग कांटा भी है ना, कांटा है, खाने में अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग इतना दूर आ रहे हैं। देखिए हम लोग आज साग तोड़ने के लिए आए हैं और साग तोड़ रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। बहुत मुश्किल से मिलता है साग और इसमें कांटे भी होते हैं। हाँ, साल में ये साग एक ही बार मिलता है, सावन के महीना में, सिर्फ सावन में ही मिलेगा। हाँ, और जहाँ पानी रहेगा वहीं मिलेगा, दूसरे जगह नहीं मिलेगा। और ये साग हम लोगों का काम है, हमको जहाँ तक लग रहा है कि यहीं पे है, उसके बाद और कहीं नहीं है ये साग। बहुत महंगा भी वो करता है सब। और कुछ दिन के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, सबके तोड़ के बेचने के स्टार्ट कर देते हैं। पूरा हो जाएगा इधर, अभी तो नहीं है, बारिश नहीं हुआ था इसलिए। बहुत लेट से बारिश हुआ है इसलिए साग बहुत कम निकला है, छोटा छोटा है। तो अभी तक बहुत ज़्यादा हो जाता था। और आप लोग हमारे ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, आप लोगों को दिखाएंगे आगे। दोस्तों देखिए इसमें बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, तोड़ने में बहुत मेहनत लगता है इसको। अगर हाथ में चुभ गया ना तो मम्मी पापा का नाम दोनों याद आ जाएगा। देखिए कितना मेहनत से इसको तोड़ना पड़ता है। गैस में देखिए अब खाली कांटे, इधर इधर वाला छोड़ो, सब में कांटा है एकदम बड़ा बड़ा सा। अभी बारिश नहीं हुआ ना तो इसकी वजह से ये पत्ता देखिए थोड़ा सा लाल लाल दिख रहे हैं, अगर बारिश होता ना तो ये भी हरा हरा दिखते हैं। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स अब हो गया है हम लोग का तोड़ा हुआ साग। ये देखिए इतना सारा हम तोड़े हैं, ये देखिए। और अब हम जाएंगे घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी लग रहे हैं। दोस्तों ये जो हम लोग साग तोड़ के लाए हैं, अब इसको देखिए, हम तो वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा लग रहा था इसलिए बड़ा बड़ा तोड़ के ले आए हैं। अब इसको ऐसे थोड़ा पत्ता में इसको ऐसे करके तोड़ना है अच्छा से, इसके बाद इसको अच्छा से इसको धोएंगे, इसके बाद इसको काटेंगे, इसके बाद इसको भुंजिया बनाएंगे। तो फिलहाल तो हम लोग अभी इसको अच्छा से इसको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए इसमें बहुत सारा देखिए धूल मिट्टी लगा हुआ है, जो कि हल्की फुल्की बारिश होता था उसकी वजह से। तो इसको हम पहले इसको अच्छा से पहले इसको धोएंगे, क्योंकि कम पानी में होने वाला है नहीं। तो फ्रेंड देखिए मेरा साग साग काट के रेडी हो चुका है, अब इसको हम भूनने जा रहे हैं। तेल भी गर्म हो गया है, ये देखिए मिर्ची इसमें दे दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा साग लगभग भून के रेडी हो चुका है, इसमें थोड़ा सा पानी है, ये खत्म होगा उसके बाद तब तक हो जाएगी। तो फ्रेंड देखिए मेरा साग भून के रेडी है, अब इसको निकालेंगे और अब खाएंगे खाना, क्योंकि आज हम लोग गए थे इसको लाने के लिए, बहुत जोर से भी लग गया फ्रेंड्स। तो अगर आप सबके उधर भी ये साग मिलता है तो आप सब भी एक बार जरूर खा के देखिएगा कैसा लगेगा खाने में, और इसके बाद बताइएगा कि हम साग बोलेंगे जरूर।
क्योंकि सच्ची में बहुत अच्छा लगता है ये खाने में और ये बहुत फायदा भी करता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आप सबको।